नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं हूं आपके साथ अनन्या जैन। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के रास्ता खुलवाने के आदेश का अनुपालन करने के लिए किसान संगठनों के साथ जोर आजमाइश नहीं करेगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया कि रास्ता खुलवाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनका अनुपालन करने के लिए उन्होंने किसान संगठनों से बातचीत करने को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों के आने का सोनीपत में इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। उनका आना या ना आना किसान संगठनों की मर्जी है, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट में ये सूचना दे देंगे कि उन्होंने रास्ता खुलवाने का प्रयास किया और किसान संगठनों को बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारी हिंसक हैं। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली जाने वाले रास्तों को खुलवाया जाना चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतों का समाधान हो सके। स्थानीय इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोगों को परेशानी हो रही है। बातचीत लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और वे सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि उन्होंने प्रयास किया था। विज द्वारा किसान संगठनों के आंदोलन को गदर बताए जाने पर विपक्षी पार्टी पर पलटवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो हो रहा है या करवाया जा रहा है वे विपक्षी पार्टी ही करवा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी ने भी कहा था कि असली गदर तो सरकार में घोटाले की वजह से मचा हुआ है। अनिल विज ने ये भी कहा कि इस आंदोलन में अगर कांग्रेस का एजेंडा न हो और जगह जगह हिंसक घटनाएं नहीं होती तो आंदोलन लोकतांत्रिक कहा जाएगा। विज ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा कि आंदोलन पर कांग्रेस का एजेंडा हावी है और कांग्रेस के इशारे पर ही भाजपा के कार्यक्रमों को ब्लॉक किया जाता है, इसलिए कांग्रेस इस आंदोलन में हिंसा के लिए दोषी है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ESM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ESM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।